169 रन का टारगेट यहां पर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, तो बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल मैदान में ये महामुकाबला, पहले बैटिंग भारतीय टीम की तरफ से और अब 169 का ये बड़ा लक्ष्य यहां पर इंग्लैंड टीम के सामने रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से जुड़ी हुई। तो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। 50 रनों की एक पारी यहां पर विराट कोहली ने खेली और अब इंग्लैंड को 169 रन का ये लक्ष्य है टीम इंडिया की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और इस मैच के बाद ये साफ हो जाएगा कि फाइनल में कौन सी टीम यहां पर उतरेगी। तो इंग्लैंड को 169 रन का ये टारगेट टीम इंडिया की तरफ से दिया गया है। तो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या की शानदार पारी यहां पर देखने को मिली और हार्दिक पांड्या छक्कों की बरसात यहां पर करते जरूर नजर आए और इसी के जरिए 169 रन का ये टारगेट। तो विराट कोहली ने 50 रनों की पारी खेली है, तो वहीं आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने 73 रनों की शानदार पर माफ कीजिएगा, तो हार्दिक पांड्या ने 63 रन की शानदार पारी खेली है। तो ये एक दोनों की जोड़ी ने कमाल यहां पर जरूर किया है और 169 रन का टारगेट अब इंग्लैंड टीम के सामने। तो बता दें कि टॉस इंग्लैंड ने जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद टीम इंडिया मैदान पर उतरी। 169 रन का ये लक्ष्य टीम इंग्लैंड के सामने अब टीम इंडिया की तरफ से रखा गया है। लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की शानदार पारी यहां पर जरूर देखने को मिली है। विराट कोहली की बात करें तो 40 बॉल पर उन्होंने 50 रन का ये पूरा किया, तो वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें तो 63 रन उन्होंने बनाए हैं। तो हार्दिक पांड्या ने छक्के यहां पर, तो टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 169 रन का ये टारगेट टीम इंग्लैंड के सामने। तो मैच जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेली है छक्के चौकों के जरिए 63 रन। तो विराट कोहली ने भी 50 रनों की पारी, हालांकि रोहित शर्मा यहां पर भी कोई अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं दिखाई दिया, हालांकि उम्मीद यहां पर जरूर थी, लेकिन मैच का प्रेशर इसको कहा जा सकता है। लेकिन अब 169 रन का ये टारगेट टीम इंडिया की तरफ से इंग्लैंड के लिए। और थोड़ी देर में अब टीम इंग्लैंड जो है वो बैटिंग करते नजर आएगी और गेंदबाजी जो है वो किस तरह से टीम इंडिया की रहने वाली है और अर्शदीप या तुरुप का इक्का साबित होंगे, ये भी बड़ा सवाल यहां पर रहेगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच से जुड़ी हुई। पांड्या ने 63 रन बनाए हैं और इसी के साथ 169 रन का टारगेट इंग्लैंड टीम के सामने। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने रचा इतिहास। तो आज के मैच में 50 रन की पारी उन्होंने खेली T20 इंटरनेशनल में, कोहली केसी के साथ 4000 रन पूरे हुए हैं। तो विराट कोहली पर भी सबकी निगाहें थी 50 को यहां पर और इसी के साथ 4000 रन बनाने वाले विराट कोहली ने रचा इतिहास। तो स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की तरफ से इतिहास रचा गया है। तो T20 इंटरनेशनल में कोहली के 4000 रन इसी के साथ पूरे होते हुए। तो आज के सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की शानदार पारी यहां पर देखने को मिली और अपने 50 रनों के साथ विराट कोहली ने 4000 रन अपने पूरे करते हुए इतिहास रचा है। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की तरफ से ये नया इतिहास रचा गया। तो T20 इंटरनेशनल में कोहली के 4000 रन पूरे हुए हैं और अब 169 का ये लक्ष्य टीम इंग्लैंड के सामने किस तरह से पूरा करती है। भारतीय गेंदबाजों पर अब पूरे देश की नजर बनी हुई है।